जय हिंद आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि एनर्जी बैंड क्या होता है उसके पहले आप जानते हैं सर बोर्स एटॉमिक मॉडल के अनुसार किसी एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं उस ऑर्बिट का अपना एक डिफिनेट इनर्जी होता है दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी आइसोलेटेड एटम में किसी सिंगल एटम में प्रत्येक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका अपना एक डिफिनिट एनर्जी होता है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल हम आपको फिगर में दिखाने की कोशिश किए हैं कि ये मेरा आइसोलेटेड एटम है एक सिंगल एटम है ये आपका न्यूक्लियस है सर ये फर्स्ट ऑर्बिट है ये सेकेंड ऑर्बिट है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमने दिखाने की कोशिश किया है तो इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका अपना एक डिफिनिट एनर्जी होगा ये सेकेंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपना एक डिफिनिट एनर्जी होगा थर्ड ऑर्बिट में जो भी मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका अपना एक डिफिनिट एनर्जी होगा इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल माने इस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका एक डिफिनिट एनर्जी होगा एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा जिसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं इस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का अपना एक डिफिनिट एनर्जी होगा जिसको एनर्जी लेवल बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक डिफिनिट एनर्जी होगा जिसको एनर्जी लेवल बोलेंगे तो देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको सेकेंड एनर्जी लेवल थर्ड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलेंगे थर्ड एनर्जी लेवल आप जानते हो सर कि न्यूक्लियस के नज़दीक जो ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है क्या होता है सबसे कम होता है ये सबसे मोर स्टेबल होता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं आउटरमोस्ट और ऑर्बिट की ओर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ता जाता है मतलब आउटरमोस्ट और ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है समझ गए तो अब हम यहाँ समझेंगे इनर्जी बैंड क्या होता है चूँकि हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्जी बैंड तो देखिए सिंगल आइसोलेटेड एटम के कंडीशन के लिए ये है लेकिन किसी सॉलिड में आपका एक एटम के नेबर में पड़ोस में तो बहुत सारे एटम्स होंगे तब उस एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपका पड़ोस वाले एटम्स से भी इन्फ्लुएंस्ड होगा उससे भी अफेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है सर कि प्रत्येक एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका एक डिफिनिट इनर्जी ना हो करके उसका एक इनर्जी का रेंज होता है क्या होता है इनर्जी का रेंज हम फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि ये सिंगल आइसोलेटेड एटम वाला एक कंडीशन है लेकिन किसी सॉलिड में तो आपका एक एटम के पड़ोस में बहुत सारे एटम्स होते हैं तब एक एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका एनर्जी जो है वो नेवर वाले यानी पड़ोस वाले एटम से भी अफेक्टेड होता है समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एटम और ये एटम आपस में ये एटम है मान लो तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होगा कोई जरूरी नहीं कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दोनों आपका सेम हो स्लाइटली डिफर हो सकता है उसी तरह इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इससे इससे स्लाइटली डिफर हो सकता है तो इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट वाला जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका एक अपना एनर्जी का रेंज होता है इसी एनर्जी रेंज को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड क्या बोलते हैं एनर्जी बैंड उसी तरह इसके सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और इस एटम के सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और इस एटम के सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपका क्या आपका होगा स्लाइटली स्लाइटली डिफर डिफर होगा होगा आपका आपका इक्वल नहीं मे बी तो वो आपका क्या होता है कि उसका एक एनर्जी ना हो करके एक रेंज ऑफ एनर्जी होता है इसी को बोला जाता है एनर्जी बैंड उसी तरह आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन कि जो एनर्जी का होगा वो एक रेंज में होगा मतलब एक पार्टिकुलर एनर्जी ना हो करके एक एनर्जी का रेंज होता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड तो एनर्जी बैंड का डिफिनेशन क्या होता है सर द रेंज ऑफ एनर्जी द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड एनर्जी बैंड इज़ द रेंज ऑफ एनर्जी एनर्जी बैंड इज द रेंज ऑफ एनर्जी और ये इनर्जी बैंड हम क्या करते हैं ये सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए नहीं है कि कोई एटम है इसके पड़ोस वाले एटम से भी इसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अफेक्टेड होता है तो उस कंडीशन में एक सिंगल एनर्जी ना लेकर के हम एक एनर्जी की रेंज कंसिडर करते हैं उसी एनर्जी रेंज को हम क्या बोलते हैं इनर्जी बैंड बोलते हैं तो द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड फिर से मैं इसका डिफिनेशन रिपीट करता हूँ द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस बाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट इज नोन एज इनर्जी बैंड मतलब एनर्जी बैंड इज द रेंज ऑफ एनर्जी क्लियर तो अब मैं आपको बताता हूँ सर अब मैं आपको बताता हूँ कि वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड अब आपको हम बताते हैं इनर्जी बैंड का टाइप Band, इन, इन, इनर्जी बैंड सॉरी टाइप्स ऑफ इनर्जी बैंड टाइप्स ऑफ इनर्जी बैंड हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ इनर्जी बैंड आप जानते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जितने भी एटम है सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का रेंज होगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस एनर्जी बैंड क्या बोलेंगे वैलेंस एनर्जी बैंड समझ रहे हैं मेरी बात वैलेंस एनर्जी बैंड माने सभी एटम्स का अपना एक आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का रेंज होगा उसको बोलेंगे वैलेंस एनर्जी बैंड तो आपका सर एनर्जी बैंड आपका बेसिकली तीन तरह का होता है आपका क्या होता है पहला वैलेंस बैंड लेंस इनर्जी बैंड एनर्जी बैंड फिर क्या होता है फॉरबिडेन, फॉरबिडेन इनर्जी बैंड तीसरा क्या होता है कंडक्शन कंडक्शन इनर्जी बैंड एनर्जी बैंड आपको मैं एक बार फिर से एनर्जी बैंड बतलाता हूँ चूँकि सिंगल आइसोलेटेड एटम रहे तो पार्टिकुलर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका अपना एक डिफिनिट एनर्जी होगा जिसको हम बोलेंगे इनर्जी लेवल फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उसको फर्स्ट इनर्जी लेवल सेकेंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन उसको सेकेंड एनर्जी लेवल थर्ड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन उसको थर्ड एनर्जी लेवल लेकिन जब आपका सॉलिड में तो एक ही एटम नहीं बहुत सारे पड़ोस में एटम्स रहते हैं तो इस एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका इनर्जी पड़ोस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन से भी अफेक्टेड होता है तो इसलिए इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम होगा उसी तरह इस ऑर्बिट के फ्र... इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन और इस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन में भी डिफ़र हो सकता है इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी रेंज होगा कि इस यहाँ से यहाँ जो इनर्जी का रेंज होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट वाला होगा तो उसको बोलते हैं इनर्जी बैंड जो इनर्जी का रेंज होता है उसको हम इनर्जी बैंड बोलते हैं देखो हमने यहाँ दिखाया ये यह आपका दिखाया आरबन आरबन जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका इनर्जी रेंज आपका ए होगा उसका एनर्जी रेंज आपका सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका इनर्जी रेंज हमने दिखाया थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका इनर्जी रेंज हमने ए दिखाया चूँकि ऑफ एटम होगा तो आपका बिलियंस ऑफ एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका सेम एनर्जी सभी का नहीं होगा तो इसलिए हम क्या करते हैं एनर्जी थोड़ा थोड़ा डिफर भी हो जाएगा इसलिए एक पर्टिकुलर एनर्जी ना बोल करके हम एक रेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं उसी रेंज ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी बैंड तो एनर्जी बैंड आपका तीन तरह का होता है सर सॉलिड में पहला वैलेंस बैंड दूसरा फॉरविडन एनर्जी बैंड इसरा आपका क्या है कंडक्शन बैंड इसको गैप भी बोल सकते हो फॉरवर्ड एनर्जी गैप भी बोल सकते हो फॉरवर्ड एनर्जी गैप तो आपका कह रहा है कि वैलेंस बैंड क्या होता है तो सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो एनर्जी का रेंज होगा मतलब द इनर्जी द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाई द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इनर्जी बैंड द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस एनर्जी बैंड उसी तरह आपका क्या है कंडक्शन इनर्जी बैंड क्या होता है द रेंज ऑफ इनर्जी प्रोसेस्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन माने फ्री इलेक्ट्रॉन का जो रेंज ऑफ एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं कंडक्शन इनर्जी बैंड और फॉरविडेन क्या है सर तो कंडक्शन इनर्जी बैंड और वैलेंस इनर्जी बैंड के बीच जो इनर्जी गैप होगा उसको हम बोलते हैं फॉरविडेन इनर्जी गैप इसको मैं थोड़ा सा फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोग समझिएगा मैं फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझेंगे ये आपका हमने ले लिया बैलेंस बैलेंस बैंड।, बैंड ये आपका कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड ये जो गैप हो गया दोनों के बीच ये फॉरबिडेन इनर्जी गैप हो गया फॉरबिडेन, फॉरबिडेन इनर्जी इनर्जी गैप अब देखो सुनो इधर सर क्योंकि जानते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो आपका एटम से डी डीअैच्ड हो जाता है अलग हो जाता है तो अलग कब होगा जब उसका एनर्जी लेवल बढ़ गया होगा एनर्जी बढ़ गया होगा तब ना वो ऑर्बिट से बाहर चला गया होगा तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है वैलेंस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका एनर्जी जो होगा कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन से कम होगा माने कंडक्शन बैंड कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुका है जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुका है तो बिलियन्स ऑफ एटम है तो आपका बिलियन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम होगा तो उस कंडीशन में अलग अलग इनर्जी होगा तो वहाँ एक एनर्जी का रेंज कंसिडर करते हैं कि यहाँ से यहाँ जो एनर्जी का रेंज होगा आपका वो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मान लो कि चौदह इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम एजसन लेते हैं कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जिस, जिसका वैलेंस बैंड में इनर्जी आपका चौदह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आपका एनर्जी ये आपका एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम जो इलेक्ट्रॉन्स का यू एनर्जी होता है उसको जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं तो मान लो कोई भैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका इनर्जी चौदह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा मतलब वो फ्री हो जाएगा क्या हो जाएगा तो बिलियन्स ऑफ एटम्स है तो बिलियन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम नहीं होगा तो हो सकता है किसी का पंद्रह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो किसी का पंद्रह पंद्रह दशमलव पाँच इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो किसी का पंद्रह दशमलव एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि यहाँ ये चौदह इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन इससे ज़्यादा हो जाता है तो मान लेते हैं वो फ्री हो गया तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन से हो सकता है एक का पंद्रह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो दूसरे का पंद्रह दशमलव पाँच इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तीसरे का पंद्रह दशमलव आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो किसी का पंद्रह दशमलव जीरो दो हो किसी का पंद्रह दशमलव जीरो फोर हो सकता है तो आपका क्या है कि एक रेंज ऑफ एनर्जी होगा जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका एक एनर्जी का रेंज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी बैंड कंडक्शन ये बैंड क्या है एक एनर्जी का रेंज है विच इज प्रोसेस बाई इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी का रेंज होगा उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी का रेंज है उसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे और ये दोनों के बीच जो एनर्जी गैप होगा माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बीच जो एनर्जी का गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या बोलेंगे सर फॉरबिडन एनर्जी गैप तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आप लोग समझ गए होंगे कन्फ्यूजन तो कुछ नहीं होना चाहिए बहुत सिंपल है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का रेंज होगा उसको हम कंडक्शन एनर्जी बैंड बोलेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी का रेंज होगा उसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होगा उसका एनर्जी कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होगा समझ रहे हैं और दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप होगा उसको क्या बोलेंगे फॉरविड एनर्जी गैप तो आइए हम अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड तो देखो इनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन के आधार पर आपका क्या है सर इनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन के आधार पर सॉलिड तीन तरह के होते हैं इनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन के आधार पर सॉलिड तीन तरह के होते हैं सॉलिड हमने लिख दिया सॉलिड पहला आपका क्या है सर पहला आपका क्या है कंडक्टर दूसरा आपका क्या है दूसरा आपका है सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर तीसरा आपका क्या है इंसुलेटर इंसुलेटर तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट वन इज कंडक्टर सेकेंड वन इज सेमी कंडक्टर थर्ड वन इज इंसुलेटर तीसरा आपका इंसुलेटर है लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आपका लेक्चर चल रहा है तो हमारा टोटल फोकस होगा ये बीच वाले पर सेमी कंडक्टर पर मतलब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सारा डिस्कशन हम ई में करेंगे सेमी कंडक्टर में लेकिन हम जान लेते हैं कि एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन के आधार पर आपका सॉलिड कितने तरह का होते हैं तो सॉलिड आपका सर तीन तरह के होते हैं पहला कंडक्टर दूसरा सेमी कंडक्टर तीसरा आपका इंसुलेटर है तो देखो हम आपको डिस्कस करते हैं कहता है कि वैसा वैसा सबस्टांस जिसमें आपका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है माने कंडक्शन बैंड हो गया और ये भाइलेंस बैंड हो गया माने वैसा सब जिसमें जिसमें आपका कंडक्शन बैंड और भाइलेंस बैंड ओवरलैप करता हो माने दोनों के बीच कोई इनर्जी गैप नहीं मैंने फॉरविडन इनर्जी गैप जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने कोई माने यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ जा सकता है यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ आ सकता है मैंने दोनों में कोई इनर्जी गैप नहीं तो उस सबस्तान को हम क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं यही कारण है कि आपका कंडक्टर में जो ही बैटरी कनेक्ट कर दोगे तुरंत करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तुरंत करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा शुरू बिकाउज आपका क्या होता है कि इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है दोनों के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं होता है मैंने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपका क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है समझ रहे हैं मेरी बात जो आसानी से थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने पर आपका क्या है ऑर्बिट से बाहर चला गया मतलब कंडक्शन हो मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब कंडक्टर में आपका क्या होता है कंडक्टर में इजीली आपका करंट फ्लो होता है बिकॉज उसमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता है माने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है इसलिए कंडक्टर में काफ़ी आसानी से करंट फ्लो होता है जो ही बैटरी से कनेक्ट कर दोगे कंडक्टर को तुरंत आपका करंट सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है समझ रहे हैं तो आपका क्या होता है कंडक्टर के लिए आपका क्या होता है कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है और ये दोनों के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं होता है दोनों ओवरलैप करता है समझ रहे हैं और इसकी कंडक्टिविटी आपका क्या होगा ज़्यादा होगा चूँकि कोई एनर्जी गैप है नहीं आपका तीसरा है सर सेमी कंडक्टर तो इसमें आपका क्या है इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप नहीं करता है दोनों के बीच एनर्जी गैप होता है दोनों के बीच इनर्जी गैप जैसे ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है और दोनों के बीच ये इनर्जी गैप होता है जो अबाउट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अबाउट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मने सेमी कंडक्टर में भैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप नहीं करता है मतलब दोनों के बीच इनर्जी गैप होता है क्या होता है इनर्जी गैप होता है इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा इसका मतलब है कि देखो यहाँ कोई एनर्जी देना नहीं पड़ेगा यहाँ भैलेंस इलेक्ट्रॉन इस से आपका फ्री हो सकता है इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा लेकिन यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजली से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको एनर्जी बाहर से सप्लाई देना पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होगा कंडक्टर से क्या होगा कम होगा मतलब इसमें इनर्जी सप्लाई करोगे तब बैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में जाएगा तब वो आपका वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होगा तब तक करंट कंडक्शन होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से क्या होगा कम होता है समझ रहे हैं इसकी यानी सेमी से, से, कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो आपका कंडक्टर से क्या होता है कम होता है हाँ तो आपका क्या होता है लो टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर पर आपका क्या होता है सर लो टेम्परेचर पर इसका वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फुल होता है और इसका कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है ऑलमोस्ट एम्प्टी कहने का मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो लो टेम्परेचर पर ये कैसा बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह कुचालक की तरह इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है लो टेम्परेचर पर बिकॉज आपका वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फील है माने फूल है और कंडक्शन बैंड आपका ऑलमोस्ट खाली है माने कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करंट कंडक्शन होगा नहीं ना होगा इसलिए जब हम जो ही रूम टेम्परेचर पर आता है रूम टेम्परेचर पर आता है तो सम ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो जो ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा अब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लो हो, हो, होगा तो होगा इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होता है बढ़ जाता है माने रेजिस्टेंस घट जाता है क्लियर अब है आपका सर तीसरा आपका क्या होता है कि इंसुलेटर में आपका क्या होता है इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में काफ़ी बड़ा इनर्जी गैप होता है जो ऑलमोस्ट पंद्रह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कितना पंद्रह इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में काफ़ी बड़ा इनर्जी गैप होता है वैसा सबस्टांस जिसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के एनर्जी बीच एनर्जी गैप पंद्रह इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है उसको हम इंसुलेटर बोलते तो स्वाभाविक है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में चेंज करने के लिए काफ़ी बड़ा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा इसलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे पुअर होता है माने ऑर्डिनरी कंडीशन में आपका इसका कंडक्शन बैंड इम्प्टी होता है बैलेंस बैंड आपका क्या होता है फूल होता है इसलिए इसमें कोई करेंट फ्लो नहीं होता है मतलब इसकी कंडक्टिविटी सबसे क्या होता है कम होता है मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है इसलिए हम इसको कहते हैं कि आपका इंसुलेटर में ऑर्डिनरी कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होता है बिकॉज इसके कंडक्शन बैंड मतलब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जबकि इसका वैलेंस बैंड आपका क्या होता है फुल होता है तो देख लो इधर पहले अब यहाँ से हम तीनों सॉलिड को देख सकते हैं कि आपका कंडक्टर में आपका क्या है सर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपका क्या होता है ओवरलैप करता है कोई एनर्जी गैप नहीं इसमें आपका क्या होता है दोनों के बीच थोड़ा एनर्जी गैप होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो स्वाभाविक है कि इसकी कंडक्टिविटी इससे थोड़ा कम होगा लेकिन इंसुलेटर से कंपेयर करोगे सेमीकंडक्टर को तो इसमें एनर्जी गैप कम है इसमें एनर्जी गैप बहुत जाता है तो स्वाभाविक है सेमी की कंडक्टिविटी जो होगा वो आपका इंसुलेटर से क्या होगा ज़्यादा होगा दिक्कत इसलिए कहते हैं कि इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से क्या होता है ज़्यादा होता है मतलब दूसरे शब्द में कहें कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से क्या होता है कम होता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉलिड का क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन तो आगे जो अगला वीडियो बनेगा वो बनेगा सेमीकंडक्टर पर कि सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है टाइप्स ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जय हिंद जय भारत